केजरीवाल को जाती हैं। तो मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी जब दिल्ली में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, एसीबी है, आपको एफबीआई यूनिट बनाना पड़ा? किसकी जासूसी करवाना चाहते थे आप? उसके पीछे का मकसद क्या है? यह जांच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक नहीं रुकेगी। मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार करे और अरविंद केजरीवाल को भी इस जांच के दायरे में लाया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की मांग है। मित्रों, जैसा आपने देखा, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस परमिशन की, इस प्रोसिक्यूशन की जो निर्णय लिया गया, उसका स्वागत करती है। 2015 से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठाती हुई आ रही है। आपको याद होगा कि जब ये फीडबैक यूनिट बनाया गया था, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत विरोध किया था। और किस प्रकार से सीक्रेट सर्विस फंड के नाम पर करोड़ों रुपया ट्रांसफर किया गया इलीगल तरीके से, कैमरेज खरीदे गए, और जब उस वक्त बात आई थी 700 लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ 700 लोगों की उस वक्त, जिसमें राजनीतिक दल के लोग भी थे, जिसमें दिल्ली सरकार के अफसर थे, मीडिया हाउसेस के लोग थे, उसमें जजेस के नाम थे, 700 लोगों को की स्नूपिंग कराई गई, उस वक्त भी मामला सामने आया था। अब जब चूंकि जांच के आदेश हो गए हैं, प्रोसिक्यूशन के आदेश हो गए हैं, निश्चित तौर के ऊपर जैसा अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा, बहुत चीजें सामने आएंगी, बहुत चीजों का खुलासा होगा। और मुझे लगता है कि ये जांच की आंच है, बिल्कुल ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि ये सिर्फ यहां नहीं रुकने वाली, ये जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है कि जब दोनों, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये दोनों मैटर बनते हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, 120 बी का, जिसमें जिस प्रकार से इन लोगों ने इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट्स करी, इलीगल तरीके से स्नूपिंग करी, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है। दूसरा भ्रष्टाचार निरोधक, क्योंकि एक सीक्रेट सर्विस फंड बनाया गया, वो मामला भी बनता है कि उसके अंदर पैसों का इधर से उधर हुआ, कहां गया, किसकी जेब में गया, क्या उसका यूटिलाइजेशन हुआ, इन सब के जवाब तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को देने पड़ेंगे। इसलिए हमारा ये मानना है कि बहुत जल्दी इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी और दोनों बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप। देखिए, हम पीछे नहीं पड़े हैं, उनके कर्म जो हैं वो ऐसे हैं जो न्यायिक एजेंसी उसकी जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया दावा करते हैं बेहतर शिक्षा मंत्री। So that's the presser by Delhi BJP MHA giving prosecution sanction against Manish Sisodia in the political snooping case. The Delhi BJP, they're saying that BJP had opposed this feedback unit and crores used to run this unit. Cameras were bought. They snooped illegally on 700 people is the allegation. And there the BJP leader saying that both Kejriwal and Sisodia will soon be behind bars.